नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज भारतीय नौसेना दिवस है। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर एक सरप्राइज अटैक को अंजाम दिया था और साथ ही भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के लिबरेशन में एक अहम और निर्णायक भूमिका भी अदा की थी। तब से लेकर आज तक 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना अपना दिवस मनाती है। जैसे भारतीय सेना जमीनी सरहदों की हिफाजत करती है और वायुसेना मुल्क के आसमानों की रक्षा करती है, वैसे ही भारतीय नौसेना भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तटों, 1,382 द्वीपों और कोई 23 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की रक्षा करती है और साथ ही अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और विस्तृत हिंद महासागर में राष्ट्रीय हितों की भी रक्षा करती है। भारतीय नौसेना का इतिहास बहुत पुराना है। 400 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के एडमिरल कान्होजी आंग्रे ने अपना जहाजी बेड़ा अंग्रेजों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों और डच व्यवसायियों के खिलाफ खड़ा किया था और साथ में कई कोस्टल फोर्ट्रेस की स्थापना भी की थी। इसीलिए इस साल का नौसेना दिवस छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे प्रिय फोर्ट सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है, ताकि भारतीय जनता भारतीय नौसेना के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ सके। 1947 में भारतीय नौसेना ने कोई 32 छोटे बड़े युद्ध पोतों के साथ अपना सफर शुरू किया। संसाधनों की कमी हमारे इरादों को डगमगा नहीं पाई। 1961 में हमने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ब्रिटेन से खरीदा, जो कि एशिया का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। 1967 में हमने अपनी पहली पनडुब्बी INS कलवरी सोवियत यूनियन से खरीदी और हिंद महासागर की लहरों पर अपना नाम दर्ज कराने की इरादे को सबको बता दिया। आप सभी चीन के बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में बढ़ते प्रभाव से परिचित होंगे। बांग्लादेश में चटगांव, म्यांमार में क्याप्कू और कोको आइलैंड, श्रीलंका में हम्बनटोटा और पाकिस्तान में गवादर, चीन की ये उपस्थिति भारत के हितों के खिलाफ है। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में उसका बढ़ता प्रभाव और वर्चस्व भी हमें रास नहीं आता। अगर कोई चीन के बढ़ते प्रभाव को समुद्र में खड़ा होकर चुनौती दे सकता है तो वो है भारत और उसकी नौसेना। आज भारतीय नौसेना आत्मनिर्भरता की जीती जागती मिसाल है। हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, हमने न्यूक्लियर सबमरीन बनाई, बाकी अन्य पनडुब्बियां बनाई, डिस्ट्रॉयर्स बनाए, फ्रिगेट्स बनाए, कॉर्वेट्स बनाए और अन्य छोटे छोटे युद्ध पोतों का भी निर्माण किया। आज
भारतीय नौसेना समुद्र के नीचे, समुद्र की सतह पर और समुद्र के आसमानों में अपनी उपस्थिति गर्व के साथ दर्ज करा रही है। भारतीय नौसेना अपने विस्तार पर सघनतापूर्वक विचार और कार्य कर रही है। आशा है सन 2035 तक कोई 175 युद्धपोतों के साथ भारतीय नौसेना इंडियन ओशन रीजन में भारत के तिरंगे को शान से लहराएगी। आप सभी को भारतीय नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शानो वरुणा। समुद्रों के देवता वरुण आप सभी पर कृपालु हों। जय हिंद।